दोनों का ग्राफ निकाल ले, जब वो थे सरकार में अभी सरकार में जो हम लोग, दोनों का ग्राफ निकाल करके आप लोग पब्लिक डोमेन में डालिए। ये बिहार के साथ साथ पूरे देश की दिशा तय कर रही है, इसीलिए बीजेपी के लोगों में बौखलाहट आ गई। सर एक सवाल। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में हो रही है, पर विजय सिन्हा बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार तो संभल ही नहीं रहा, अपना गृह जिला नहीं संभल रहा और देश संभालने की बात कर रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा ने काफ़ी कुछ जो आरोप हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे लगाए हैं। साफ शब्दों में बिहार नहीं संभल रहा, बिहार में गुंडा राज की वापसी हो गई है। पर अभी इस पर जो बिहार सरकार के विधि मंत्री हैं शमीम अहमद, तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ करें, विजय सिन्हा को पहले आप वो सुने। साथ रहते हैं तो गुंडा राज होता है, और उनके साथ जब रहते हैं तो यहाँ पे बिहार में राम राज रहते हैं। अभी फर्क सारे ऐसी मीडिया के लोग ये तय करें और इसको अपने स्तर से इसको गहन जांच करके पब्लिक के सामने लाए। नहीं, विजय सिन्हा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला में गए थे, नालंदा में गए थे, और बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपराधिक घटना वो कुछ ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दोनों का ग्राफ निकाल ले, जब वो थे सरकार में अभी सरकार में जो हम लोग, दोनों का ग्राफ निकाल करके आप लोग पब्लिक डोमेन में डालिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या रबड़ स्टैम्प बन गए हैं लालू प्रसाद यादव का, तेजस्वी यादव का? ऐसी कोई बात नहीं है, विरोधी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बिहार के लिए आदर्श, और माननीय लालू प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के नेतृत्व में ये बिहार के साथ साथ पूरे देश की दिशा तय कर रही है, इसीलिए बीजेपी के लोगों में बौखलाहट आ गई। सर एक सवाल है, आप लोग का दो दिवसीय बैठक हो रहा है बेंगलुरु में, बीजेपी का बोल रही है कि कुनबा जो है बीजेपी का बढ़ गया है, डेढ़ गुना ज़्यादा लोग बीजेपी के बैठक में बैठे हुए, एनडीए के बैठक में। नरेंद्र मोदी पहले तो एक ही चेहरे पर लड़ते थे, अब 38 की जरूरत क्या पड़ गई? पहले तो एक ही चेहरे पर लोग कहते थे कि हमारा एक पर सारे भारी हैं, और अब 38 की जरूरत क्या पड़ गई? आप लोग फर्क निकालिए इसका। तो अभी आप शमीम अहमद को सुन रहे थे, किस तरीके से विजय सिन्हा को सुना रहे थे, साफ शब्दों में कह रहे हैं कि आप ही लोग फैसला कीजिए कि जब उनके साथ आ जाते हैं तो मंगल राज और हट जाते हैं तो गुंडा राज। क्या कुछ कह रहे थे, उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विजय सिन्हा ने रबड़ स्टैम्प बता दिया था लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को लेकर। इसको लेकर भी जो बिहार सरकार के मंत्री हैं शमीम अहमद क्या कुछ कर रहे थे वो आपने सुना। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टूडियो के साथ। लाइव स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। दोनों का ग्राफ निकाल ले, जब वो थे सरकार में अभी सरकार में जो हम लोग, दोनों का ग्राफ निकाल करके आप लोग पब्लिक डोमेन में डालिए। ये बिहार के साथ साथ पूरे देश की दिशा तय कर रही है, इसीलिए बीजेपी के लोगों में बौखलाहट आ गई। सर एक सवाल।